हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ओक एसेंस किट के बारे में, कैसे आप अपनी विस्की ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, एक बजट विस्की को आप एक प्रीमियम विस्की में बदल सकते हैं। एक सिंपल सी बॉटल और एक ये ओक इन्फ्यूजन स्टिक आपके विस्की ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकती है। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने वीडियो में कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और एक्सपेरिमेंट करा जाए, और वो एक्सपेरिमेंट मैं खुद नहीं करूंगा, आप लोगों से करवाऊंगा। मैंने ली 3 विस्कीज अलग अलग प्राइस रेंज की, रॉयल स्टैग, ब्लेंडर स्प्राइट एंड 100 पाइपर्स, और उन तीनों विस्कीज को मैंने इन्फ्यूज कराया इस किट के अंदर। और उसके बाद मैंने आप में से ही कुछ सब्सक्राइबर्स को चुना और उन्हें बुलाया अपने स्टूडियो में ट्राई करने के लिए कि उनको कौन सी विस्की ज़्यादा बेटर लगती है, रेगुलर या फिर ओक इन्फ्यूज्ड। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आया। पहले हमने ट्राई करी रॉयल स्टैग, एक बहुत ही आइकॉनिक एंड पॉपुलर विस्की। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसका टेस्ट डेफिनेटली बेटर होगा ओक एसेंस से। तो पहले लोगों ने ट्राई करी रेगुलर रॉयल स्टैग, नॉर्मल विस्की है, इसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा है, थोड़ा तीखी भी है। उसके बाद ट्राई करी गई इन्फ्यूज्ड रॉयल स्टैग, जिसे मैंने ओक एसेंस किट में 24 आवर्स के लिए इन्फ्यूज कराया था, और ये था आप लोगों का कहना। ये वाली थोड़ी बेटर लग रही है इस वाली से, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा है और ये पीने में भी स्मूथ है। ये बहुत अच्छी है, टेस्ट वेरी नाइस, स्मेल वेरी नाइस, वुडी है, टेस्ट अच्छा है इसका, बेटर है, थ्रोट में लग नहीं रही है, बहुत स्मूथली नीचे जा रही है। उसके बाद हमने ट्राई करी सबकी फेवरेट ब्लेंडर स्प्राइट। पहले लोगों ने ट्राई करी रेगुलर ब्लेंडर स्प्राइट और फिर ट्राई करी गई ओक इन्फ्यूज्ड ब्लेंडर स्प्राइट, और कैसी लगी आप लोगों को? और स्मूथ है, और थोड़ा सा लग रहा है महंगी भी है। इसमें वार्म्थ है, खुशबू बहुत अच्छी है, गले से नीचे बहुत ईजिली जा रही है, तो दोनों में से ये ज़्यादा बेटर है। अगर दोनों को टेस्ट करें साइड बाय साइड, खुशबू भी, ये ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव जैसे सिंगल मॉल्ट हो गई। फिर बारी आई 100 पाइपर्स की। 100 पाइपर्स अपने आप में एक अच्छी विस्की है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ओक इन्फ्यूजन से इसका टेस्ट और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है या नहीं। सो पहले लोगों ने ट्राई करी रेगुलर 100 पाइपर्स और उसे कंपेयर किया गया ओक इन्फ्यूज्ड 100 पाइपर्स के साथ। ये विस्की उससे सुपीरियर है, आई थिंक ये ज़्यादा एज कराई गई लग रही है और बहुत इजी है, इजी गोइंग है। इसका टेस्ट ऐसे लग रहा है जैसे हम सिंगल मॉल्ट विस्की पी रहे हो। वार्म बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मल है, इन दोनों में से तो ये विनर है। कलर भी कॉम्बिनेशन इसका, एज भी ज़्यादा लग रही है, तो दिस वन इज द विनर। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, बिकॉज मैंने खुद यूज़ करा हुआ है ओक एसेंस, एंड आई कैन टेल यू गाइज कि उससे आपकी विस्की का टेस्ट डेफिनेटली बेटर होता है। इनफैक्ट मेरा पहला वीडियो देखने के बाद जितने लोगों ने ओक एसेंस ट्राई करा, सबने मुझे बोला कि यस, उससे डेफिनेटली उनके विस्की का टेस्ट इम्प्रूव हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोग श्योर नहीं थे कि क्या आपको ओक एसेंस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, नाउ यू नो that it will definitely improve your whiskey drinking experience. और अगर आप अपनी खुद की ओक एसेंस किट खरीदना चाहते हैं, then you can click on the link in the description. And there is a good news, अगर आप 10th November से पहले अपनी ओक एसेंस किट ऑर्डर करते हैं, then you will get a 10% off. 10% discount apply हो जाएगा आपके ऑर्डर पर automatically जब आप checkout करेंगे। So I think this is the best time to get your own oak essence kit. और whiskey नहीं, आप और भी liquors try कर सकते हैं, for example rum भी try कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी rum try करूँ इसको oak essence kit में, और आप लोगों को बताऊँ कि मेरी क्या finding थी। If you guys want me to do that, let me know in the comments. दोस्तों ये था हमारा आज का video, कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइए comments में, like करिए video को, share करिए अपने दोस्तों के साथ, channel पर subscribe करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers.